सागर के सदर इलाके में मची बवाल के बाद अब मुस्लिम पक्ष भी सामने आया है। उन्होंने कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस में पहुंचकर आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने 41 लोगों के नाम पुलिस को सौंपे हैं और आरोप लगाया है कि इन लोगों ने जानबूझकर यह उन्माद फैलाया है। महाकाल एंड श्रीनिवास कंस्ट्रक्शन, रेता, गिट्टी, ईंट, कंक्रीट, पंप, मुरम सप्लायर, सभी प्रकार की कंस्ट्रक्शन मशीनें, उपकरण वाहन किराए पर उपलब्ध है। आवेदन में कहा गया है कि जिस रात यह विवाद हुआ है, तब रात में 10 बजे 12 मोहाल में मैयत जा रही थी, तभी रिक्शा चालक जोर जोर से अश्लील गाने बजाते हुए आए और लोगों ने रुका तो वह गालियां देते हुए वहां से भाग गए। लेकिन कुछ समय बाद वह 12 मोहाल चौराहे पर आए और गाली गलौज करने लगे, तब कुछ लोगों के साथ उनका विवाद हो गया। इसके बाद बड़ी संख्या में फिर आए और हाथों में हथियार लिए हुए थे, पूरे मोहल्ले में घूमकर गालियां देने लगे, बच्चों के साथ महिलाओं के साथ मारपीट की, जिसमें महिलाओं को चोटें भी आई। वहीं मुस्लिम समाज की तरफ से यह मांग की गई है, जब दो तरफ से विवाद हुआ है तो सामने वाले पक्ष के लोगों पर भी मामला दर्ज किया जाना चाहिए और उनको भी गिरफ्तार किया जाए। वहीं विधायक प्रदीप लारिया के बयान पर भी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि वह इतने बड़े पद पर हैं, उसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम समाज भी आपके लिए वोट करता है। इस तरह का बयान उन्हें नहीं देना चाहिए था। अभी परसों रात को जो सदर का मैटर हुआ है, उस सिलसिले में हम लोग का यहाँ आना हुआ था। हमारे मुफ्ती साहब भी, हमारे आफिस साहब वगैरह भी हम लोग के साथ में है। अब उसमें दो तीन चीज़ों की मांग यहाँ लेकर आए। पहली चीज़ ये है कि जैसे खुद एसपी साहब का कहना है, सारे पत्रकारों का कहना है कि दोनों पक्ष जमा हुए, तो कार्रवाई सिर्फ एक तरफ क्यों हुई? एक तरफ के लोगों को क्यों उठाया गया? दूसरी तरफ FIR भी होने चाहिए, दूसरी तरफ से भी लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। दूसरा, हमारे ये हमारे पास साक्ष्य है, हमारे पास जिन लोगों को, मुसलमानों में जिन बच्चों को, जिन महिलाओं को चोट लगी है, वो हमारे साथ मौजूद है, बाहर खड़ी हुई है, उनको भी हम लेकर आए थे कलेक्टर साहब के यहाँ, उनके हक में FIR लिखी जाए और उनके लिए न्याय मिले। तीसरा, मैं खासतौर से पैगाम देना चाहूँगा हमारे विधायक जी को कि आप एक बड़े पद पर हो, आपको इस तरीके की बात नहीं कहना चाहिए। आप इंसाफ की बात करते, आप कहते हैं मुजरिमों को सजा मिलेगी, अच्छा लगता, लेकिन आप कह रहे हो कि प्री प्लानिंग थी, आप कह रहे हो पहले से पत्थर और बॉटल जमा थे, तो आप ये भी बता दो किसके घर जमा थे, हिंदुओं के घर जमा थे या मुसलमानों के घर जमा थे? क्या आप हिंदू मुस्लिम झगड़ा कराने के लिए आए हो? आप इस तरीके की बात करो, आप एक जिम्मेदार पद पे हो, आपको इंसाफ की बात करनी चाहिए, आपको इक्वलिटी की बात करना चाहिए। मुसलमान बहुत सारे जो है वो आपको वोट देकर जिताते हैं, तो आप इस तरीके की बात करो, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं। कलेक्टर साहब ने हमें साफ आश्वासन दिया है कि वो उस पर कार्रवाई भी करेंगे, आप हमें वीडियो और जितने भी फुटेज है वो आप उनको मुहैया कराएंगे और वो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और उनकी गिरफ्तारी भी होगी। दिवाली रख के बात करी, हमारे भाइयों को दो चांद मारी के गाली रख की बात करो, हम आपको आपकी दिवाली दे रहा है। हमारे भाइयों को बोल रहे थे हम ऐसे गाली रखेंगे मुस्लिम की बहनों को, मैयत निकल के जा रही थी, मैयत निकल के मैं हमारे भाइयों को मारा और बहनों को घरों में घुस के रोजे की अफ्तार की हालत से मारते गए। हमको ये पत्थर मारा यादव ने और खटीकों ने, कौशल यादव ने पत्थर मारा, खटीकों ने पत्थर फेंकते, पूरे पत्थर रोड में बिखरे हुए थे। हम औरतों को जुलम करा दिया, हम कह रहे थे मुसलमानों को कुछ नहीं सुनेंगे और ऐसे ही मारेंगे, ना तो कुछ कुछ औरतों को निकाल के मार रहे हैं। महाकाल एंड श्रीनिवास कंस्ट्रक्शन, रेता, गिट्टी, ईंट, कंक्रीट, पंप, मुरम सप्लायर, सभी प्रकार की कंस्ट्रक्शन मशीनें, उपकरण वाहन किराए पर उपलब्ध है। कंक्रीट पंप, हाइबा, कंपैक्टर रोलर, कंक्रीट पंप एवं फ्लोरी से ढलाई का कार्य किया जाता है। भूपेंद्र सिंह ठाकुर, हमारा पता है सिरोंजा सागर, हमारा संपर्क नंबर है 72248 048 22 91 317 49 181।